वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो में राइस ट्यूब फीडिंग के बारे में बात करेंगे, जिसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग या फिर एनजी ट्यूब फीडिंग भी बोलते हैं। और आज हम इस वीडियो में एनजी ट्यूब फीडिंग की इंडिकेशन के बारे में, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में और इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में फुल्ली डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, ये है फीडिंग बैग और 494 का आपको मिलता है एक पीस। 1200 ml तक की फीड एक बारी में आ सकती है और ये रोमसंस कंपनी का प्रोडक्ट है। और बहुत से हॉस्पिटल हैं जहां पर इस फीडिंग बैग को यूज़ करते हैं फीडिंग के लिए। आज मैं इस वीडियो में इस फीडिंग बैग का यूज़ करूंगा, साथ ही 50 cc का भी यूज़ करूंगा। दो तरीके हम जो हैं इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए खोल के मैं आपको दिखाता हूँ फीडिंग बैग एक्चुअली दिखता कैसा है। तो देखिएगा, इस कुछ ऐसा आपको फीडिंग बैग मिलता है 494 rupees में। और इसकी इंस्ट्रक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, 1200 ml की जो है इसमें फीड आ जाती है। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए, क्लोज रोलर कैंप जो हमारा रेगुलेटर होता है, इसको फीड देने से पहले आपने बंद करना है हमेशा। और फिर द फिल कंटेनर विद डिज़ायर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, देखिए जहाँ से जो है आपने फीड डालनी है इसके अंदर से। ओके, आगे अटैच टू आईवी पोल विद बर्डन हैंगर। ओके, इंसर्ट ड्रिप चैम्बर इनटू ड्रिप चैम्बर बकेट। ओके, देन ओपन रोलर कैंप एक्सपेल एयर, जो आपने एयर है ट्यूब के अंदर से वो निकालनी। और फिर क्लैंप को ऐसे, ये देखिए कुछ ऐसे क्लोज कर देना है एयर निकालने के बाद। पहले आपने एयर निकालनी है, उसके बाद क्लोज करना है। ओके, तो अटैच अडेप्टर टू फीडिंग ट्यूब, जो इसका अडेप्टर है आगे वाला, उसको आपने राइस ट्यूब के साथ अटैच करना है। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है हम लाइव करके देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इसी में। तो अटैच, ओके, ओपन रोलर कैंप एंड बिगिन फीडिंग। और जो वो रोलर कैंप है, जो रेगुलेटर होता है, उसको आपने ऊपर कर देना है ऐसे, और जो हमारी फीडिंग वो शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ आपको एक पॉकेट भी मिलती है, आप जो ट्यूब है उसको पूरा रोल करके उस इस पॉकेट के अंदर जो है आप डाल सकते हैं, ताकि जो ट्यूब है वो लटकती नहीं है, तो पॉकेट का इसलिए यूज़ है। 50 ml की सिरिंज, देखिए मैं इसमें जो है लॉक टिप वाली जो है 50 ml की सिरिंज का यूज़ करूँगा। BD कंपनी की सिरिंज है, और आप चाहें तो सिंपल टिप वाली सिरिंज का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस सिरिंज का ही यूज़ करूँगा। और इस सिरिंज को अधिकतर IV इन्फ्यूज़न के टाइम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो है ये नीडल के साथ लॉक हो जाती है। तो चलिए गाइस, मैं आपको इस सिरिंज को जो है खोल के भी दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली दिखती कैसी है हमारी सिरिंज। देखिए आप, इसकी जो टिप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ अलग टाइप की दिखेगी। देखिए, ये लॉक होने वाली टिप है इसकी। आप चाहें तो सिंपल सिरिंज का यूज़ कर सकते हैं 50 ml की सिरिंज का, लेकिन ये 10 cc की है सिरिंज, 10 ml की सिरिंज है। तो आज हम इसमें 50 ml की जो ये सिरिंज है इसका ही यूज़ करेंगे। तो इंडिकेशंस की बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं गाइस जिसमें एनजी ट्यूब से आप फीड दे सकते हैं, लेकिन खासकर स्ट्रोक की बीमारी, पार्किंसन डिजीज़ और रेस्पिरेटरी फेलियर, लीवर फेलियर एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी बीमारी है। लेकिन आपको सिंपल सिंपल भाषा में बताऊं तो जो मरीज मुंह से खाना खाने में असमर्थ होते हैं, जिनसे मुंह से खाना खाया नहीं जाता लेकिन उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्ट कर सकता है खाने को, उन मरीजों को जो है एनजी से फीड देते हैं लिक्विड फॉर्म में। जैसे कोमा के मरीज होते हैं, या ट्रकियोस्टमी के पेशेंट्स होते हैं, या वेंटिलेटर के पेशेंट, या प्रीबॉर्न बेबी जिनका जो जन्म है 7वें या 8वें मंथ में हो जाता है, उन्हें एनजी फीड देते हैं, ओजी फीड देते हैं। तो गाइज, इन पेशेंट्स को फीड देनी होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो आपको सिंपल सिंपल भाषा में बताऊं तो उन पेशेंट्स का पाचन तंत्र खाने को पचा ना सके, जिन पेशेंट्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाने को पचा ना सके, या डाइजेस्टिव सिस्टम किसी बीमारी से ग्रसित हो, उन्हें ये फीड नहीं देनी चाहिए। जैसे आंतों की रुकावट है एक बहुत अच्छा उदाहरण।
और चलिए हमारा जो प्रोसीजर है उसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने हाथ धोने हैं, लेकिन मैं अपने हाथ को आज सैनिटाइज करूँगा इस वीडियो में। आप अच्छे से हैंड वॉश कर लेना। उसके बाद आपने ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स मैं सर्जिकल पहन रहा हूँ। सर्जिकल ग्लव्स आप चाहें तो एग्ज़ामिनेशन ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। हाथ धोने के बाद तो आपको सर्जिकल ग्लव्स पहनने की कोई ज़रूरी ही नहीं है, आप सर्जिकल ग्लव्स ही पहने। और उसके बाद जो है हम इस फीडिंग बैग में जो हमारी फीड डालेंगे। देखिए आपने कुछ ऐसे इसके ढक्कन को खोलना है और उसे ऐसे पकड़ना है। और फीड में मैं जो पीसी हुई खिचड़ी है वो यूज़ कर रहा हूँ, ग्राइंड की हुई है मिक्सी में, और जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया जितनी ML की उतनी ML की आपने जो है अमाउंट डाल ली है। 350 ML मैंने इसमें डाली है खिचड़ी। और डालने से पहले आपके दिमाग में कुछ बातें बैठ जानी चाहिए, आपको हमेशा याद रखनी है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। सबसे पहली बात यह है कि जो मरीज़ को हमेशा फीड हाई फॉलर पोजीशन पे देनी है ताकि एस्पिरेट करने का ख़तरा ना हो। दूसरी बात, फीड देने से पहले एस्पिरेट करके देखना है कि फीड जो आपने पहले दी थी वो डाइजेस्ट होगी है कि नहीं हुई। अगर जो एस्पिरेट है वो 100 ML से ज़्यादा आता है तो फीड को नहीं देना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए, डिले कर देना चाहिए। और जो एस्पिरेट करके आपने निकाला है उतनी ही फीड आपने वापस डाल देनी है। और अगर पेशेंट को आप बाईपैप थेरेपी दे रहे हैं तो बाईपैप थेरेपी फीड देने के 1 घंटे बाद देनी चाहिए ताकि जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होकर जो फीड है वो एस्पिरेट ना हो जाए, वरना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो है आपने हमेशा फीड ग्रेविटी फोर्स से फीड को देना है, इंजेक्ट नहीं करनी। और फीड देने के 1 घंटे तक मरीज को फॉलर पोजिशन पर रखना है ताकि फीड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो गाइस चलिए अब हमारा जो प्रोसीजर है उसे शुरू करते हैं। तो ये मैंने हैंग कर दिया इसे, और इस चैम्बर में आपने फीड डालनी है देखिए, ताकि जो एयर है वो आगे ना जाए। दबा कर आपने जो है इसमें फीड डाल देनी है इस चैम्बर में, और फिर आपने जो है रेगुलेटर को ऊपर करना है और हमारी फीड जो है शुरू हो जाएगी। तो चलिए पहले एयर निकाल लेते हैं ट्यूब के अंदर से। तो किसी खाली कंटेनर में आपने थोड़ी सी फीड को निकालनी है ताकि एयर निकल जाए। और उसके बाद जो है आपने राइस ट्यूब को ऐसे क्लैंप करना है जैसे मैंने किया है। आप चाहें तो यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से 50 ML की सिरिंज को अटैच करना है। मैं इसकी कैप को खोलूँगा और ऐसे अटैच कर दूँगा। अटैच करने के बाद आपने जो है रोलर कैंप को ऊपर करना है और जो हमारी फीड वो शुरू हो जाएगी। मैं इसे थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि इस प्रोसीजर के बाद आपने क्या करना है जब फीड ख़त्म हो जाएगी, और ताकि जो हमारी वीडियो है वो भी लंबी ज़्यादा ना बने। तो देखिएगा इस थोड़ी मैं अपनी वीडियो जो है मैंने फास्ट की और बीच में काटी भी है, और जो हमारी फीड है वो ख़त्म होने वाली है जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए बस थोड़ा सा टाइम है और जो हमारी फीड है वो बिल्कुल ख़त्म होने ही वाली है। देखिए हमारी फीड ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद आपने जो है क्लैंप करना है इसे, और यहाँ से प्लेन वाटर से फिर जो है फीडिंग बैग में प्लेन वाटर भरना है। 50 ML, 30 ML, 50 ML आप भर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए 50 ML मैंने इसमें भरा है प्लेन वाटर। और उसके बाद आपने जो है ढक्कन को कुछ ऐसे बंद करना है, ओके। और फिर ऐसे जो है बैग को हिलाना है अच्छे से ताकि जो अंदर की फीड है वो पानी में मिक्स हो जाए और जो राइस ट्यूब है वो अच्छे से वॉश भी हो जाए। तो ये अच्छे से इसे हिलाना है और फिर मैं इसे लटका देता हूँ। लटकाने के बाद आपने इस चैम्बर में पानी को डालना है ताकि जो है एयर ना जाए। क्लैंप खोलना है और राइस ट्यूब को ऐसे क्लैंप करके और आपने जो है अटैच कर देना है इसे, और फिर रोलर कैंप को ऊपर करके बोलस देना है फास्टली थोड़ा, ताकि जो राइस ट्यूब पूरी की पूरी क्लीन हो जाए अच्छे से। देखिए गाइस 50 ML की जो अमाउंट थी वाटर की वो मैंने दे दी है, और क्लैंप और ये देखिए कुछ ऐसे आपने खोल के इसे बंद कर देना है, ओके। तो अगला प्रोसीजर 50 ML की सिरिंज से है। ये हमारी राइस ट्यूब और ये हमारा
जो सिरिंज है 50 ml का, प्लगर मैंने हटा लिया है, देखिए कुछ ऐसे। और यहाँ से जो है हम इसे फीड देंगे, इसे लगाएंगे फीडिंग के लिए। ओके गाइस, तो सेम ऐसी ही पोजीशन आपने रखनी है फीड देने के लिए। ओके गाइस, तो सब कुछ रेडी है हमारा फीड देने के लिए। देखिए कुछ ऐसे ही हमने देनी है और फीड अप शुरू करते हैं। मैं पाइनएप्पल का जूस दे रहा हूँ फीड में। देखिए आपने धीरे धीरे जो है अमाउंट डालनी है, और आप पहले मेज़र कर लें किसी भी चीज़ में कि आपने कितनी अमाउंट की फीड देनी है, और फिर जो है ग्रेविटी फोर्स से जो आपने फीड को देना है, धीरे धीरे फीड जाने दें। आपने इंजेक्ट नहीं करनी है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना है फीड को, अपने आप अपने ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण बल से ही फीड को जाने दें। तो गाइज ये बस खाली होने ही वाला है, और जितनी अमाउंट है हमने देनी है उतनी ही देनी है हमने, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है ट्रीटमेंट में। ओके, तो एक बार मैं फिर से पाइनएप्पल का जो जूस है वो डाल रहा हूँ, देखिए। और ये धीरे धीरे अपने आप ही जा रही है ये फीड। ओके, तो गाइज अगर ये रुक जाती है फीड, अगर जाती नहीं है तो क्या करना है, देखिए। अब जैसे कि ये फीड है, अब ये जा रही है थोड़ी सी, और इसे तो छाना हुआ है फीड को, लेकिन अगर बिना हुआ छाना हुआ फीड हम डालते हैं तो ये बंद हो जाएगा जाना। और बंद हो जाने पे जो हमारा जो प्लगर है उसको आपने थोड़ा सा इसके अंदर डाल के और फोर्स करना है, देखिए कुछ ऐसे, और जो फीड हमारी दोबारा से शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा ही आपने पुल करना है उसे जाने के लिए। और जब ये पूरा का पूरा जो है ख़त्म हो जाता है, देखिए कुछ ऐसे, तो उसके बाद आपने 30 ml या 50 ml से इसको वॉश करना है आरटी को। और देखिए आप जैसे जा नहीं रहा, तो मैं प्लगर से इसे दोबारा से जो है पुश करूँगा थोड़ा सा, और जो है हमारी फीड शुरू हो जाती है। होने की ख़त्म होने के बाद आपने जो है राइस ट्यूब को ऐसे बंद कर देना है। तो गाइज़ आपने एनजी ट्यूब फीडिंग के प्रोसीजर के बारे में देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलता हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। ओके, टाटा बाय बाय।